सो हे गाइस, वेलकम बैक चैनल। सो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा आपको 0.18.0 की अपडेट के पैक्स, नोट्स एंड रॉयल पास में, सीजन 13 के रॉयल पास में क्या देखने को मिलेगी, कौन सी आउटफिट देखने को मिलेगी, रैंक भी बताऊंगा कौन सी पे मिलेगी। सो भाई, और क्रिएट भी बताऊंगा मैं कौन सी क्रिएट्स आने वाली हैं सीजन 13 के रॉयल पास में। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, गिव अवे अनाउंसमेंट में लास्ट में बताऊंगा। सो भाई, नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपको लिंक ये क्रोम ब्राउज़र में खोल लेना है और उसके बाद कुछ ऐसा लगेगा। सो इसको, इसके लिए क्या करना है, आपको 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और उसके बाद डेस्कटॉप साइट पे जाने के बाद आ चुके हमारे पैच नोट्स। और इस पैच नोट्स में देखने को मिल जाता है हमको अपडेटेड मिराबर विद सैंडस्टॉर्म। सैंडस्टॉर्म के साथ आ रहा मतलब तूफान सा चलेगा। एडमिन 94 में 2.7x का स्कोप देखने को मिल जाता है, ये पैच नोट्स हैं। और कैंटेड साइट आ चुकी है, सो भाई काफ़ी मज़ा आएगा। और ये कैंटेड साइट लग जाएगी भाई आपके 8x तक की, 8x तक लग सकता है आपके ये कैंटेड साइट। एंड न्यू क्लासिक मोड कंटेंट मिल जाएगा, जंगल एडवेंचर इन सैनोक अवेलेबल सून। सो काफ़ी अच्छा है, जंगल एडवेंचर देखने को मिल जाएगा सैनोक में। न्यू कस्टमाइजेबल वेपन सिस्टम गन क्राफ्ट फिनिशिश अवेलेबल सून। सो ये मिल जाएगा आपको, आप खुद की स्किन बना सकते हो वेपन की। मैंने इस पर वीडियो ऑलरेडी बना चुकी है, सो भाई पूरा चैनल अपडेट से भरा हुआ है तो देख लेना। और न्यू वेपन P19 अरीना मोड, सिर्फ अरीना मोड के लिए आया है P90 रॉयल पास सीजन 13 टॉय प्ले ग्राउंड अवेलेबल मई 13, मतलब रॉयल पास सीजन 13 होने वाला टॉय प्लेग्राउंड। और ये मिलेगा हमको 13 तारीख को रॉयल पास आने वाला। और ब्लू होल मोड ब्रांड न्यू ईवोग्राउंड एक्सपीरियंस अवेलेबल सून। सो भाई ये कौन सा मोड है, ठीक है, ये मोड है भाई सेफ्टी स्क्रैम्बल मोड, जिसका नाम इन्होंने चेंज कर लिया है। एंड न्यू एंटी चीटिंग इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट चीटर किल्स। इसका मतलब है कि अगर आप किसी हैकर से मरते हो तो आपके माइनस नहीं होंगे। सो पबजी मोबाइल की अपडेट आने वाली है 7 मई को, जो कि आज है, ये बता नहीं कब तक गिरेगी, वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ। सो सर्वर देखो, सर्वर ऑफ नहीं जाएंगे इस अपडेट के लिए। और अपडेट रिक्वायर्स मतलब एंड्रॉयड में जितना स्पेस चाहिए वो लगेगा आपको 1.97 GB का, मतलब 2 GB का तो लग जाएगा। और भाई साहब 2.21 GB का स्टोरेज स्पेस चाहिए iOS डिवाइस में, तो मतलब भाई काफ़ी है। प्लेयर ऑन डिफरेंट वर्जन वॉन्ट बी अवेल टू इनवाइट वन एनदर। सो भाई देखो, मतलब जो जिन्होंने अपडेट नहीं किया वो इनवाइट नहीं कर सकते और को। सो अपडेट डिवाइस में मिल जाएगा हमको एक रेडियो, BP एंड 3 लूटनेंट पल्सैक बैकपैक। सो बैकपैक की स्किन मिलने वाली है हमको, 3 बैकपैक, मतलब क्या है भाई। व्हाट्स न्यू मेन अपडेट आती है हमारी मैड मिरामर। सो इन्होंने मैड मिरामर जोड़ दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और ओसिस देखने को मिल जाएगा हमको ऊपर में नॉर्थन पार्ट में, और अर्बन रुइंस नॉर्थ वेस्ट में, एंड काफ़ी मोर। तो मैं इनको जल्दी फास्ट फॉरवर्ड करके बताता हूँ। देखो ओसिस मिल जाएगा हमको, रूइंस मिल जाएगा, एंड रेस्ट ट्रैक डाल दिया है, एंड कुछ इन्होंने सो हाउस में, रोड में, एंड मोर में, भाई इसमें काफ़ी एडवांस मतलब अपडेट किया है। एंड मिरामर वहीकल मिल जाएगा आपको देखने को नई अपडेट में, जो कि काफ़ी अच्छा है। और इसको टिल्ट कर लेता हूँ मैं, हाँ भाई हाँ सही है इसमें। और जो कि है गोल्डन मिराडो, ये होगा सिर्फ पूरे मैप में एक ही स्पॉन, जो कि मिलेगा सियंदा लोकेशन पे। मेरा मन न्यू वेंडिंग मशीन मिल जाएगी, जिसमें हमको पेन किलर एंड ड्रिंक्स मिलने को मिल जाएंगे। या वेंडिंग मशीन में से अगर लकी होता है 8 टाइम पे 1 मिलेगी, 8 टाइम पे 1, मतलब भाई 1 टाइम पे 8 मिल सकती है। और सैंडस्टॉर्म इफेक्ट देने से चांस टू जैस्मिन में सैंडस्टॉर्म इफेक्ट भी होगा, जिसमें कागज उड़ेंगे। एंड मिरामर मेन मेन्यू थीम अपडेट एंड डाउनलोड द मिरामर टू गेट द मिरामर मेन लॉबी एंड म्यूजिक। तो आपको देखो अपडेट करना होगा, उसके बाद मिरामर डाउनलोड करना होगा, जो कि नया मैप है। और उसके बाद आपको थीम मिल जाएगी ईमेल में, मतलब मेल में, जो पबजी मोबाइल के मेल में वो मिल जाएगी, ठीक है।
और मेरा अमर अचीवमेंट एडिट अ न्यू अचीवमेंट खेलोगे तो आपको अचीवमेंट हो जाएंगे और ग्रेट रिवार्ड मिलेंगे, इवेंट भी आने वाले हैं। और ये ब्लू होल मून मिल जाता है देखने को, जिसमें दो जोन होंगे, एक बाहर का और एक अंदर का, और इस पर वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, तो मैं नहीं बता रहा इसके ज़्यादा बार में जंगल एडवेंचर मिल जाता है, जिसमें जंगल फूड, हॉट एयर बलून एंड टोटम मिल जाता है। टोटम भाई, टोटम है एक जैसे कि वो इवेंट सा है ना, वो टेम्पल सा, उसमें टोटम भाई कुछ ब्लेसिंग्स ही मिल सकती है आपको, उसमें लिख रहा है। और P90 देखने को मिल जाती है हमको, जो कि सिर्फ अरीना मोड के लिए है, और क्लासिक मोड इम्प्रूवमेंट्स किए हैं इन्होंने। कैंटी सेट देखने को मिल जाता है, और भाई ये लगेगा एंड इस कम्फर्टेबल असल्ट राइफल, सब मशीन गन, मतलब SMG, स्नैपर राइफल, LMG एंड शॉर्ट गन सब में लग जाएगा, सब में तो नहीं, मतलब सम शॉर्ट गन्स एंड द कैंटी साइड क्लोज रेंज में काम आएगा, इसमें लिख भी रहा है। एंड दो कैंटी साइड सेटिंग कैन बी टू वेज में एडजस्ट कर सकते हो, प्रेफरेंस कैन बी सेट इन द सेटिंग एंड कस्टमाइज इंटरफेस। हाँ भाई, उसको सेट भी कर सकते हो जहाँ पे करना, कैंटी साइड क्रॉस स्टाइल एंड कलर आल्सो भी चेंज इन द सेटिंग्स। हाँ, क्रॉस हेयर भी चेंज हो जाएगा इसका कलर, मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, एंड कलर भी चेंज कर सकते हो। सिक्योरिटी पॉइंट प्रोटेक्शन मैचेज, जिसमें आप अगर चीटर से आते हो तो आपके माइनस नहीं होंगे, बट वो बैन भी हो जाएंगे, अगर रिपोर्ट कर देना उनको, अगर आपको लगे हैकर है तो भाई रिपोर्ट ज़रूर करना। एंड थोड़ा डिले हो सकता है भाई इसके, फिर उसके बाद भाई माइन पॉइंट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे पता नहीं। न्यू स्किन UI, मतलब इसमें कुछ ज़्यादा ही डिटेलिंग दिखाई जाएगी आपको, और जो कि काफ़ी अच्छा है। और सेटिंग इम्प्रूवमेंट क्या है, एडिट एंड FPP एंड TPP कस्टम कॉन्फ़िगरेशन कॉपी के बंक्शन, इसमें क्या है भाई काफ़ी अच्छा है, मतलब इसमें देखो जब हम TPP करते हैं भाई, TPP में खेलते हैं हम, और FPP में करना है सो हम कॉपी नहीं कर पाते, और उसके चक्कर में हम कहीं और सीधा बटन लगा दें तो हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, जिससे आप अब कॉपी कर सकते हो TPP के लिए FPP में, FPP के TPP में, ठीक है, ये काफ़ी अच्छा है। सेंसिविटी, और अब क्लाउड में स्टोर कर सकते हो, मतलब सेव कर सकते हो सेंसिविटी, आप नई अपडेट आ रही है उसके बाद में आपकी सेंसिविटी की जैसी पहले थी वैसी हो जाती है सिंपल सी, सो उसके लिए इन्होंने क्लाउड स्टोर कर दिया है। ऑटो इक्विप फंक्शन अनेबल और डिसेबल कर सकते हो। डेथ रिप्ले इम्प्रूवमेंट किया है, अब सब डिवाइसों में मिल जाएगा आपको देखने को, एंड इन्होंने काफ़ी अच्छा किया है डेथ रिप्ले। एंड वेपर अचीवमेंट इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाती है, W94 में जाता है 2.7x का स्कोप, जो कि मिराबर में मिलता है हमको, ये वेपन वैसे मिलता तो उसमें भी ऐसा नॉक में भी। अब लोडिंग S1, सो इसकी आयरन साइड जब मूव करते हैं तो भाई डाउन करते हैं तो होती नहीं है मूव, मतलब व्यू नहीं मिलता, तो वो उन्होंने कुछ किया है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा भाई इसमें काफ़ी है। और फ्लेयर गन जब होल्ड करोगे फ्लेयर गन को और बैकपैक में देखोगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, BRDM आएगी या ड्रॉप आएगा, सो वो दिखाएगा। फायर बैलेंसिंग कर दिया इन्होंने, शॉर्ट गन को बैलेंस कर दिया थोड़ा सा, जो कि काफ़ी हेल्थी थी, पता नहीं क्या होता था। और आपको अगर ये पूरा पढ़ना है तो भाई लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, लेट्स चेक इट फ्रॉम देयर। एंड और बग्स इसमें, बग्स भी इम्प्रूव कर दिए हैं, और बग फिक्सेस देख लो तो हमको, जो जब हम प्लेयर के पास से गुजरते थे या प्लेयर हमारे पास से गुजरते थे तो हमें पहले पता चल जाता था भाई लैग हो रहा था, मतलब जंपिंग ऑफ अ पिक, सो हमको पता चल जाता था। और इन्होंने एक बग और फिक्स किया है, HDR+60 FPS पे नहीं चलता था, हाई परफॉर्मेंस नहीं देता था, तो वो बग फिक्स कर दिया है इन्होंने। एंड सैमसंग फोल्डेबल स्क्रीन में कुछ इशू थे तो वो भी इन्होंने फिक्स कर दिए हैं इस गेम में। और चेयर पार्क देखने को मिल जाता है, मतलब वो एंटरटेनमेंट। और फाइनली रॉयल पास सीजन 13 टॉय प्लेग्राउंड अवेलेबल ऑन May 13, इसमें कार्टून रेंजर आर कार्टून रेंजर, मतलब कार्टून सी थीम आएगी, वो टॉय थीम तो है ही है, सो चूज एदर आइस रेंजर और फायर रेंजर एट रैंक 50 एंड गेट द अल्ट्रा डिफेंडर सेट एट रैंक 100 एट द टाइम ऑफ योर लाइफ। सो भाई देखो 50 RP पे हमको आइस रेंजर और फायर रेंजर सेट मिल जाएगा, जैसे एक चेस चूज करना मतलब। एंड अल्ट्रा डिफेंडर सेट भाई रैंक पे मिल जाएगा, जो कि मैं आपकी स्क्रीन पे डाल रहा हूँ भाई, दोनों देख लो, ऐसा कुछ ऐसा आएगा, या अल्ट्रा डिफेंडर सेट कुछ ऐसा हो सकता है नीला सा, इसका नाम नहीं रिलीज किया है, और
या ये हॉक सेट हो सकता है, ठीक है। सो पपेट मास्टर आपको मिल जाता है और आप ग्रेड भी कर सकते हो उसको। एंड गन क्राफ्ट मिल जाता है, ब्रदर्स इन आर्म अचीवमेंट और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। न्यू करेंसी देखने को मिल जाती है हमको। सो भाई लिंक इन द डिस्क्रिप्शन अगर आपको पूरा पढ़ना है। सो भाई इस वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय। तो भाई वीडियो के लिए इतना ही। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और गिव अवे है भाई, गिव अवे होगा 5K के बाद या 10K के बाद, 10K पे या 5K पे हो जाएगा। और ये सब सब्सक्राइबर करें तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। एंड हम मिलते हैं अगली वीडियो में अपनी, जो कि आज ही एक और डालूंगा मैं आज। सो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय।